नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता, GNN न्यूज़ पे आपका स्वागत। आइए देखते हैं एक खास खबर। काफी समय से अपनी भरकस मेहनत करते आ रहे हैं और जगह जगह ये मंच लगा रहे हैं, कभी रैली निकाल रहे हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हर 5 साल बाद एक मेला लगता है और आप लोगों के बीच बड़े बड़े बोलने वाले वक्ता और बड़े बड़े नेता आप लोगों के बीच आते हैं। कभी आलू को लेकर, कभी टमाटर को लेकर, कभी बिजली को लेकर, कभी पानी को लेकर, कभी सड़कों को लेकर, तो कभी नालियों को लेकर कहानी गढ़ते हैं और आप लोगों के पैर छूकर, कभी हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं। मेरे सभी क्षेत्रवासी भावुक होने के बाद निर्णय लेते हैं, हमारे बीच इतना बड़ा आदमी आते हैं, जब वो अपनी सीट प्राप्त कर लेता है, उसके कुछ दिन गुजरते हैं तो पता चलता है कि हमारी नाली बंद हो गई है, पानी नहीं आ, तब नाली के लिए आप निगम पार्षद के नेता के ऑफिस पर जाते हैं, कार्यालय पर जाते हैं कि भाई साहब हमारे यहाँ ना हमारी नाली बंद हो गई है और पानी का निकास नहीं मिल पा रहा। उसके कर्मचारी साहब आ गए, भाई साहब ने एक एप्लीकेशन बनवाई, 10 पड़ोसियों को इकट्ठा किया, फिर पहुंच गए कार्यालय कि भाई साहब हमारी गली में नाली बंद हो गई है, पानी नहीं निकास मिल रहा, उसका काम करवा दो। फिर से कर्मचारी कहता है आज नेताजी तो भाई गए हैं मीटिंग में, कल आ जाना आप। तो उस समय आपको कैसा महसूस होता है कि जो नेताजी आपके बीच आए थे और पैर छुए थे, आज वो नेताजी आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं। उन्हीं सब चीजों को याद मैं इसलिए दिला रहा हूं कि आने वाले 5 साल फिर से परेशानी ना उठानी पड़े आप लोगों को, ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े आप लोगों को। इसलिए अच्छी तरह से देख कर, जांच कर, परख कर एक ऐसे नेता को अपना कीमती वोट डालें जो आपके हर वादे पर, हर समय मौके पर खड़ा रहे और आपकी एक बात भी काटे नहीं। बहुत ज्यादा है, भी लड़ गए थे मोहित रंजन, धरना प्रदर्शन कर दिया था इन्होंने, लेकिन पीछे नहीं हटे, जिस कार्य को उन्होंने किया उसे संपन्न करके छोड़ा। अगर आज अपने क्षेत्र में आप इन्हें मौका देते हैं तो आप लोगों के बीच एक युवा नेता खड़ा होगा और युवा नेता खड़ा होने का मतलब होता है गर्म खून, गर्म जोश, और जब गर्म जोश मार्केट में आता है तो वो कुछ अच्छा ही करके जाता है। क्यों? क्योंकि उसे सोचने की आदत नहीं होती है, वो सोचता नहीं है कि मैं ये काम कर दूंगा तो कितने रुपए लग जाएंगे, फंड का पैसा सारा तो नहीं लग जाएगा कहीं, ये योजना आई है इस योजना के अंतर्गत मैं कुछ पैसे बचा लूं, एक ही साल रह गया, अगले साल फिर आएगा इलेक्शन और जब इलेक्शन आएगा तो फिर देखेंगे। तो भाइयों, मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी तरफ से जानकर, देखकर वोट डालें, ऐसा साथी आपको नहीं मिलेगा। आप लोग अगर इसे जिता देते हैं तो ये समझ लो कार्यालय आपके घर घर में खुल गया है, इसके कार्यालय नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। आप देखा है, 2 साल से जानता हूं, बहुत ही अच्छी नीति, बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छी समझ इनकी कम उम्र में इतना आ गया है कि आज 50 साल का नेता नहीं सोचता इतना लंबा। तो मैं यही चाहूंगा कि देख लो भाई, आप लोगों के बीच आपका बच्चा है, अगर इसे आपने चुनाव में जिता दिया तो समझ लेना कि क्षेत्र का विकास ये नहीं करेगा, आप खुद लाइट की, पानी की व्यवस्था की, नाली की, सड़क की, सारी चीजों का काम आप खुद करेंगे, आप लोगों के हवाले कर देंगे ये, क्योंकि योजनाओं का पैसा इन्हें खाना नहीं, भगवान का दिया इनके पास बहुत कुछ है, आपके फंड खाने की जरूरत नहीं है इन्हें, और ना ही ऐसी सोच है, क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद आदमी सोचता है मैंने क्या कमाया, मैंने क्या कमाया, अपने बच्चों के लिए कुछ कमा के छोड़ के जाऊं, वो 40 साल के बाद सोचता है। एक 23 साल का बच्चा ये नहीं सोचता कि जो फंड आ गया उसे बचा के घर में रख लूं, ताकि अगले विधानसभा में एमएलए
और लोकसभा में एमपी आप लोगों के बीच होंगे और आप जहां कहोगे वहां खड़े होंगे, ये मेरा वादा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और मैं कहूंगा कि दो शब्द आगे मंच पर कहें आदरणीय मोहित रंजन जी के लिए। तालियां भाइयों, माता जी हैं मोहित रंजन जी की और हमारी भी।